नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस 24 हेडलाइन। आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रविवार सुबह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर अस्पताल से तबरेज शेख नामक गौ तस्कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। वही गौ तस्कर के पुलिस कस्टडी से भागने का मामला गरमाता दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद नेता मुकेश दुबे ने चेतावनी देते हुए फरार गौ तस्कर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। दुबे ने कहा कि गौ तस्कर के पुलिस हिरासत से भागने की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय गौ तस्करों पर कार्रवाई के साथ मांग की है कि किस तरह पालघर से भिवंडी तक गौ तस्करी की जा रही है, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे, विश्व हिंदू परिषद पालघर। जो गौ तस्कर, तीन गौ तस्कर जो पकड़े गए थे, उस तीन तस्कर में से एक गौ तस्कर 16 तारीख से फरार है और वह अभी तक पुलिस के हाथों में आया नहीं है। इसलिए यहाँ पर पालघर में काफी रोष का वातावरण हो चुका है, जनता आक्रोश में है। पालघर जिले से गौ तस्करी होती है और भिवंडी में जाती है, मुंबई जाती है, तो प्रशासन को ऐसे इतने कड़े कोर्ट नाकाबंदी करनी चाहिए ताकि इस जिले का गौ तस्कर दूसरे जिले तक पहुंचता है उसे कहीं रोकथाम नहीं होती। इस चीज का आक्रोश है। और तीन जब गौ तस्कर पकड़े गए तो तीन से लेने वाला, देने वाला, खरीदने वाला, जो स्टॉक करता है, जो गोडाउन ट्रांसपोर्ट का मालिक, इन सब पर केस होनी चाहिए। और ये टीम 12 से 15 लोगों की, और मुख्य आरोपी कभी हाथ में नहीं आए। इस चीज का यहाँ जनता में बड़ा आक्रोश है। और इस कारण अगर जो पुलिस प्रशासन ने अभी उसके करीब करीब 80 घंटा उलटने के बाद भी आरोपी अभी तक हाथ आया नहीं है, अगर जो यही चलता रहा तो फिर यहाँ की प्रशासन, यहाँ की जो जनता है वो रास्ते पे उतरेगी और बजरंग दल भी उसका तीव्र निषेध करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।